अगर भाई प्रोफेशनल ड्राइवर है तो सी है बिल्कुल कितना वर्ष हो गया नहीं रखी नहीं गधा गाड़ी बहुत टाइम हो गया 8-9 साल हो गया सर बिल्कुल अच्छा अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे तो एक नई वीडियो के साथ आप सबको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने पिछली हमारी जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच को मैंने व्लॉग बनाया था आप लोगों ने पसंद किया था आप सबका शुक्रिया। तो आइए फिर आज की ये नई वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। तरफ जी मौसम ऐसा है कभी धूप कभी बादल तो आसमान पे ऐसी है। आज की वीडियो में आपको जो है ना देहाती माहौल मिलेगा अपने मोहल्ले के ये खेत खलिहान यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे लोगों के साथ शोल मेला लगाएंगे और उनके साथ थोड़ा बहुत हम भी काम करेंगे देसी बंदे बनेंगे और मौसम भी बड़ा प्यारा है जैसा कि मैंने आपको बताया कि आसमान पे जो है ना ये कंडीशन है कभी धूप कभी बादल दो ऐसा मौसम जो है ना वो मुझे मरी याद आ गई नारायण कगान के इलाके याद आ गए जैसे गर्मियों के सीज़न में वहाँ पर ऐसी काली घटाएँ आसमान पर आती है फिर अचानक से धूप निकलती है। तो ये सर्दियों का मौसम बड़ा ही प्यारा है जी ये गरम गरम धूप और साथ में ठंडी ठंडी हवा एक साथ इसका मज़ा ही अलग है। मैं जी अपने मोहल्ले के यहाँ पे जो कुएँ हैं अक्सर वीडियो में मैं दिखाता रहता हूँ वहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे आजकल का सीज़न जो है ना ये मूली का है शलजम का है और गाजर का है ना तो यहाँ पे देखने आए हूँ अगर मूली शलजम ये सारी चीज़ें तैयार हो गया तो यहाँ से लेके जाऊँगा लेकिन अभी बिल्कुल ये पक रही हैं तो 10 से 15 दिन मजीद इन्हें लगेंगे फिर जितनी भी सब्जियाँ हैं घर के लिए ये सारी यहाँ से लेके जाएंगे। बाकी ये गोभी के खेत हैं यहाँ पे मैंने देखा है ये इसके दरमियान में से इन्होंने जो है ना ये गोभी के फूल निकाल लिए हैं शायद घर के लिए ये लेके जाते हों या बेचते हों बाज़ार में ना तो सारा मैंने ये सर्च कर लिया इसमें कोई गोभी का फूल नहीं बचा है सिर्फ ये पत्ते ही हैं ये सारी इधर ये गोभी लगी हुई है। वो गोभी जी मेरी फेवरेट सब्ज़ी है मैं चाहता हूँ कि हर रोज़ जो है ना इस कुएँ की ताज़ी सब्ज़ी लेके जाऊँ लेकिन यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे गोभी खेतों में गोभी के फूल बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है वो इसने जो कुएँ वाला बंदा है ना ये अपने घर में ले जाता है खाने के लिए फूल निकाल के या फिर बेच देता है। बाकी ये गंदम के खेत आप देख सकते हैं यहाँ पे गंदम इतनी इतनी हो चुकी है खेतों में ना ये जी हमारे दोस्त ये गधा गाड़ी है वो आगे वो घास काट रहा है तो ये इनके खेत पे आए हैं आज इनको थोड़ा सा काम शाम कराते हैं यहाँ पे ये घास शास काट रहे हैं तो आइए मेरे साथ। हाँ जी आपको भाई क्या हाल है ठीक हो लगे पे हो आप ही मेहनत मजदूरिया लगे पे हो है अच्छा अच्छा जी चलो जी अल्लाह पाक और सेहत तबीयत ठीक है अच्छा ये क्या आई हुई आजकल जोंदरा अच्छा मजियां पाने सही है सर्दियां से ना सर्दियां जोंदरा माशाल्लाह और कितना ही प्यारा है ये आपको जोंदरा नजर आ रहे हैं जी ये सर सब्ज खेत जो है और बीच में हमारे प्यारे आकुब भाई पीला जोड़ा पैदा हुआ है। साल में जो भी मौसम हो मतलब आकुब भाई का जो खेत है ना ये हरा भरा रहता है माशाल्लाह इनके साथ में कुएं है तो वो कुएं का पानी लगाते रहते हैं वहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं गधा गाड़ी वो चलती है कुएं पे तो साल के 12 महीने इनका जो खेत है ना यहाँ पे ये फसल उगती रहती है और इनके जानवरों के लिए एक भैंसें रखी हुई है एक गाय रखी हुई है तो ये अपना चारा यहाँ से लेके जाते हैं। तो बाकी जितने भी खेत हैं वो बारिश ना होने की वजह से पानी ना मिलने की वजह से खुश हो जाते हैं और कभी कभार फसल होती है लेकिन इनके खेत में जो है ना जब भी आप आए यहाँ पे हरा भरा रहेगा तो ये इनके खेत की बरकत है जनाब। आगो भाई कितनी मजिया रखी हुई ने मजिया 5 अच्छा ते गाइयां गाइयां 2 गाइयां 2 माशाल्लाह ते ज्यादा मजिया नहीं दूध बेचना है ना हां जी अच्छा 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 काम भी शुरू करते हैं। हां जी आगो भाई ऐसा नहीं जरूरत है वैसे बहुत जबरदस्त थी बहुत जबरदस्त तुम्हें ऐसे काम करने चाहिए थोड़े बहुत बिल्कुल जी बर्गर बॉय नहीं बनना चाहिए देसी बॉय नहीं बनना तो बड़ा ही ये काम अच्छा होता है सेहत के लिए हम जैसे लोगों के लिए जो बिल्कुल काम नहीं करते हैं तो ऐसे काम जो है ना करने चाहिए और सेहत भी होती है और अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आकिब भाई के साथ हमने यहाँ पे थोड़ी सी घास काटी, इतनी भी नहीं काटी यार। आकिब भाई भी कहेंगे यार, मतलब एक दो दातियाँ यहाँ थोड़ी सी घास काट के कहता है यार इतनी ज़्यादा काटी। खैर थोड़ी सी काटी कोई बात नहीं, हमसे इतना ये काम नहीं हो सके। हम जो है ना वो क्या कहते हैं, हमने इतने ये काम किए नहीं है, बचपन में करते थे लेकिन काफ़ी टाइम हो गया ये खेती बाड़ी ये सारे काम। तो आकिब भाई का तो ये काम है, ये प्रोफेशन है, ये रोज़ाना ये करते हैं, तो अब इनका हाथ चल गया। तो बस ऐसे देहाती माहौल में आप लोग भी जो है ना ज़रूर आया करें और यहाँ पर इस तरह खेतों में आके इन्जॉय किया करें, तो बड़ा ही अच्छा वक्त गुजरता है। ये बड़े सेहत के लिए बड़ी मुफीद चीज़ें होती हैं यहाँ पर जब आप काम करते हैं। एक तो ज़हनी टेंशन भी ख़त्म हो जाती है, हरे भरे ये खेत खलिहान यहाँ पर आके सारा काम शाम करें तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को भी है ना अच्छा वक्त देखने को मिलेगा। और ये वैसे भी सेहत के लिए बहुत मुफीद सरगर्मियाँ हैं जी। हमारे आकिब भाई घर को जा रहे हैं और फिर करें वापसी आए। अच्छा अच्छा माशाल्लाह जी, सारा घास जो है इन्होंने काट लिया। हमारी भी जो है ना वो गधा गाड़ी पे हम भी बैठ चुके हैं, इसकी सवारी कर रहे हैं काफ़ी टाइम बाद, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे लादा हुआ है आकिब भाई, प्रोफेशनल ड्राइवर है तो सी है। कितना अर्सा हो गया नहीं रखी नहीं गधा गाड़ी? बहुत टाइम हो गया, 8-9 साल हो गए सर। बिल्कुल अच्छा अच्छा, गधा गाड़ी का जो है ना मतलब अपना ही सफ़र है, ये देसी गाड़ी है हमारी खेतों की, बगैर पेट्रोल के चलती है। रोज़ कितना खर्चा खावे जी? कोई खर्चा नहीं जी। अच्छा सारा ना नहीं जड़ा ना। अच्छा मतलब खाना पीना ही होना। अच्छा आकिब भाई का घर है जी यहाँ पे, ये अभी सारा चारा जो है ना ये यहाँ पे गाय को डालेंगे और भैंसों को डालेंगे। शुक्रिया आकिब भाई, अल्लाह हाफिज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आकिब भाई के साथ मज़ा आया, छोटी सी वीडियो थी, असल में थोड़ा सा ज़हनी तौर पे जो है ना अपसेट था, तो इसलिए सोचा भाई आज खेतों में जाते हैं और मतलब ये दोस्तों के साथ यहाँ पे जाके काम शाम करते हैं। तो बड़े ही अच्छा दिन गुजरा है, बड़ा ही यादगार गुजरा है। तो बस वीडियो छोटी सी थी, उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह रेगुलर अब व्लॉग आएंगे, कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, बड़ी बड़ी वीडियो आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।